फ्रेंड्स आई राहुल अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ग्रूक ए पी यू इन आवर मेंटल एबिलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज फ्रेंड्स आवर टॉपिक इज परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी तक हमने परमोटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को डिस्कस किया था बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ग्रुप या कमेटी को कैसे फॉर्म करना है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसके मल्टीपल वेराइटी की प्रॉब्लम्स को और अपन डिस्कस करेंगे तो आज की हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है इसमें हाउ मेनी ऑप्शन्स वी हैव टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ फाइव मेंबर्स ग्रुप बनाना है कितने मेम्बर्स का फाइव मेंबर्स का किन में से कौन कौन हमारे पास सिक्स तो क्या है यहाँ पे थ्री क्या है यहाँ पे टीचर्स सेवन क्या है यहाँ पे और टू क्या है यहाँ पे इंजीनियर्स तो अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स देखी थी उसमें या तो कितने मेंबर्स थे टू कैटेगरीज थी या फिर कितनी थी थ्री अब कितनी यहाँ पे फोर सिक्स डॉक्टर थ्री टीचर्स सेवन एंड टू इंजीनियर्स फोर कैटिगरी हो गए मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कितनी कैटेगरी से आप तो बेसिक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए सिलेक्शन कितने का करना है मैं फाइव मेबर्स का सिलेक्शन करना है किन में से इनको यूज में लेते हुए लेकिन कंडीशन क्या उस पर फोकस कीजिए क्या ये वन है लिस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी मतलब हर कैटेगरी का मिनिमम वन पर्सन तो होना ही चाहिए वन के अबाव भी हो सकते हैं चार कैटेगरी से चारों का वन वन तो होना ही चाहिए उसके अभाव भी हो सकते हैं तो जब भी स्टेप की प्रॉब्लम है पहले आप टेबल फॉर्म कर लेंगे गिवन क्या क्या हमें क्या हमारे पास डॉक्टर्स हैं यहाँ पे कितने वो सिक्स फिर चलिए आगे कौन है आगे टीचर्स हैं कितने वो थ्री टीचर्स हैं यहाँ पे फिर आगे चलिए स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे सेवन स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे सेवन और फिर आगे चलिए इंजीनियर्स वो कितने यहाँ पे यह समझ में सिलेक्शन कितने का करना हमें फाइनल फाइव मेंबर्स का सिलेक्शन करना गिवन क्या है सबका वन वन तो होना ही चाहिए वन 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 एंड वन कितने हुए हैं फोर सिलेक्शन कितने का करना है फाइव का तो फाइव का पॉसिबल है जब किसी एक के कितने होंगे टू मेंबर्स होंगे बाकी सबके कितने होंगे वन 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 तो ये वन ये वन ये वन इसको कितना कर दिया मैंने कितने हो गए फाइव हो गए टू किसी की भी हो सकते हैं तो ये वन ये वन और ये वन इसके कितने कर दिए हमने टू कर दिए या फिर ये वन ये वन ये वन इसके कितने कर लिए हमने टू कर दिए या फिर इसको कितना करते हम टू इनके कितने कितने वन 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 तो कितने ऑप्शन है यहाँ पे फोर ऑप्शन हैं आई दिस और दिस और दिस और दिस इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम सेम प्रोसेस रहेगा सिक्स में से कितना है यहाँ पे वन तो क्या होगा ये रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं मैं यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा सिक्स में से कितना है वन एंड थ्री में से कितना वन फिर सेवन में से वन और फिर टू में से टू पहला ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन सेकंड ये हमारे पास ये वाला है सिक्स में सेवन फिर थ्री में से सेवन फिर सेवन में से कितना और फिर टू में से आएस एम एस में या फिर सिक्स में से सेवन फिर थ्री में से टू फिर सेवन में से वन एंड टू में से सेवन थर्ट ऑप्शन और फोर्थ क्या हमारा ये वन है क्या होगा इसमें सिक्स में से कितने हैं टू थ्री में से वन सेवन में से वन एंड टू में से वन अब इसको क्या करना है आपको सोल्व कर। करना सोल्व करना मैं बता चुका हूँ फिर भी एक क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप इसको सोल्व कैसे क्या आएगा सोल्व करने पे सिक्स से वन कितना हुआ सिक्स ये कितना हुआ थ्री से वन थ्री होगा सेवन से वन सेवन होगा टू से टू कितना होगा वन बता रहा आपको सर फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम कितना होगा ये सिक्स सेवन कितना हुआ सिक्स थ्री सीवन थ्री सेवन सी टू डेट मीन्स सेवन सिक्स टू वन एंड टू सेवन कितना हो गया टू फिर इस पर आ जाएंगे हम क्या होगा सिक्स सेवन कितना हुआ सिक्स थ्री सी टू थ्री सी थ्री हो गया सेवन सी वन सेवन टू सेवन एंड दिस इसका क्या होगा सिक्स सी टू डेट मीन्स सिक्स फाइव टू वन फिर थ्री सी वन सेवन सी वन टू सी योग मेरे पास चार ऑप्शन इन चारों का क्या करना आपको सिंपली प्लस करना वो आप कर ही लेंगे समझ आ रहा है प्रॉब्लम तो स्टेप से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और अपन डिस्कस करते हैं इसमें तो देखिए फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें इन हाउ मेनी वेज ए प्लेइंग एलेवन मतलब सिलेक्शन कितने का करना है हमें एलेवन मेंबर्स का सिलेक्शन करना है किन में से सेवन बैट्समैन सिक्स बॉलर्स एंड थ्री ऑलराउंडर्स ये प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की थी उसमें दो ही कैटेगरी थी उसमें सिर्फ बैट्समैन और बॉलर्स अब यहाँ पे कितने कैटेगरी हो गए थ्री हो गया बैट्समैन बॉलर ही साथ ही साथ कौन है ऑलराउंडर्स भी कितने मेंबर्स है पूरे हैं सेवन प्लस सिक्स थर्टीन थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन मम्बर्स हैं उनमें से सिलेक्शन करना है कितने का इलेवन मेंबर्स का कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे वाइल टीम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉलर्स एंड बैट्समैन इलेवन मेंबर्स का सिलेक्शन करना है जिसमें बॉलर बैट्समैन इक्वल होनी चाहिए और गिवन कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो जब भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपको बता रखा है क्या करते हैं हम टेबल फॉर्म करेंगे कैसे बनेगी वो कौन कौन है यहाँ पे बैट्समैन है कितने हैं वो हमारे पास सेवन फिर आगे चलिए कौन है यहाँ पे बॉलर्स वो कितने यहाँ पे सिक्स फिर आगे चलिए कौन आ रहे हैं ऑलराउंडर्स आ रहे हैं आपके पास वो कितने यहाँ पे थ्री फाइनल सिलेक्शन कितने का करना है आपको इलेवन मेंबर्स का सिलेक्शन करना है कंडीशन क्या है यहाँ पे बॉलर बैट्समैन इक्वल होनी चाहिए तो इक्वल कब हो सकते हैं फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस वन इलेवन बोला बैट्समैन इक्वल है या नहीं तो सपोज़ 5 तो क्या है यहाँ पर बैट्समैन 5 ही क्या है बॉलर्स फाइव प्लस फाइव और एक क्या ले लिया हमने ऑलराउंड तो ये वो इक्वल है यहाँ पे. या फिर क्या हो सकते हैं? फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर कितना हुआ 8. तो ये कितने हो जाएंगे थ्री 11. या फिर ये कितने ले हम 3 और ये भी कितना थ्री प्लस थ्री कितना हुआ 6. तो यहाँ पे कितने चाहिए आपको 5. क्या फाइव ले सकते हैं क्या हम क्योंकि है कितने हमारे पास थ्री थ्री में से फाइव का सिलेक्शन पॉसिबल तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे सिर्फ दो कॉम्बिनेशन होंगे आइदर दिस और दिस इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फिर सेवन सी फाइव साथ में कौन चाहिए हमें सिक्स सी फाइव एंड थ्री सी वन आइदर दिस और दिस या फिर ये वाला होगा क्या होगा सेवन सी फोर सिक्स सी फोर एंड थ्री सी थ्री कैलकुलेशन आपको आती है क्या होगा सेवन सी फाइव का सेवन सी टू सेवन सी टू क्या होगा सेवन सिक्स टू वन सिक्ससी फाइव सिक्ससी वन होगा सिक्ससी वन सिक्स होता है थ्री सी वन थ्री हो गया प्लस सेवन सी फोर डे मीन सेवन सिक्स फाइव सेवन सी फोर किसके को होगा सेवन सी थ्री तो थ्री नंबर ऊपर हो गए थ्री नीचे होगा थ्री टू वन सिक्स सी फोर सिक्स सी टू होगा सिक्स फाइव टू वन एंड थ्री सी थ्री कितना था है वन कैलकुलेशन आप इसकी आराम से कर सकते ये आया समझ में तो फ्रेंड्स अब इसी में हम आगे चल रहे हैं अब बात करते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड केसेस की मतलब कुछ मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मेंबर का सिलेक्शन करना है उसमें केसेस क्या आएँगे कि वन मेंबर का तो ऑलवेज सिलेक्शन होना ही होना है किसी पर्टिकुलर मेंबर का कभी भी सिलेक्शन नहीं होना मतलब तो आपको रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे गिवन होंगे तो उसको हम कैसे प्रोसीड करें वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो देखिए क्या लिखा मैंने सपोज कितने मेंबर्स हमारे पास एन मेंबर्स हैं उनमें से कितने मेंबर्स का सिलेक्शन करना है आपको आर मेंबर्स का सिलेक्शन करना है टोटल एन मेंबर्स हैं उनमें से आर मेंबर्स का सिलेक्शन करना है तो जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा एन में से आर एन में से कोई से भी आर मेम्बर्स का सलेक्शन कर सकते हैं दो पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी एक तो क्या है वन पर्टिकुलर मेंबर का ऑलवेज सिलेक्शन होना है सेकंड उसका सिलेक्शन नहीं होना है तो देखिए क्या लिखा मैंने वन पर्टिकुलर मेंबर इज़ ऑलवेज सेलेक्टेड देखिए समझने की कोशिश करना एन में से आर का सिलेक्शन करना है उनमें से एक मेंबर का सिलेक्शन तो होना ही होना है सपोज एन कितना हमारे पास टेन सेलेक्शन कितने का करना आपको सिक्स का टेन में से सिक्स मेंबर का सिलेक्शन करना है मैं क्या बोल रहा हूँ एक मेंबर का सिलेक्शन तो होना ही होना है तो रिमेनिंग कितने है आप नाइन नाइन में से कितने का करना है हमें फोर का भाई सॉरी नाइन में से कितने का करना फाइव का टेन में से कितने का करना था सिक्स का एक का सिलेक्शन तो कन्फर्म ही इसका तो होना ही होना है तो अब रिमेनिंग कितने हमारे पास नाइन मंबर हैं उनमें से कितने का करना हमें फ़ाइव का तो यहाँ पे क्या होगा एन जब एक का सलेक्शन होना ही होना है तो अवेलेबल भी एक कम होगी एन माइनस वन रिक्वायर भी एक क्या हो गया कम हो गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन वही क्या होता है यहाँ पे वन पर्टिकुलर मेंबर इज़ नेवर सेलेक्टेड एक पर्टिकुलर मेंबर का सेलेक्शन किसी भी केस में नहीं होगा एन में से सिलेक्शन करना है कितने का आपको आर का एक मेंबर का सिलेक्शन नहीं होगा मतलब अवेलेबल आपका एक कम हो गया पहले कितने अवेलेबल थे एन तो अब अवेलेबल कितने हैं एन माइनस वन क्या अभी सिलेक्शन हुआ है या उसका नहीं हुआ है तो सिलेक्शन उतने का ही करना जितने का पहले ही करना था कितने का करना था तो एन माइनस वन सी आर भाई सिंपल सा रोल है जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो एन सी आर जब सिलेक्शन होना ही होना है तो अवेलेबल भी कम हो गया और रिक्वायर्ड भी क्या हो गया कम हो गया और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो अवेलेबल तो कम हो जाएगा लेकिन रिक्वायर्ड में कोई चेंज नहीं होगा इसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये तीनों केस आपको सिंपली आपको समझ में आ जाएंगे एग्जाम्पल लेते हैं अपन देखिए कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो अभी हमने फॉमूलाज डिस्कस किए थे उसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इन हाउ मेनी वेज ए ग्रुप ऑफ फोर मेम्बर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेवन मेम्बर्स तो एन कितना है यहाँ पे सेवन रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे फोर तो आपको सेवन में से फोर मेम्बर्स का सिलेक्शन करना है गिवन क्या नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन में फॉर्मूला क्या होता हमारा एन सी तो ये क्या हो जाएगा सेवन सी आया समझ में इसी के सेकंड प्रॉब्लम क्या है वन पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज सेलेक्टेड जब वन पर्टिकुलर मेंबर का सिलेक्शन होना है तो अवेलेबल और रिक्वायर्ड दोनों ही वन से क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने क्या फॉर्मूला होता है इसका एन माइनस वन सी आर माइनस वन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेवन माइनस वन सिक्स सी फोर भाई सेवन में से फोर का सिलेक्शन करना था अब एक का तो हो चुका है तो अवेलेबल कितने सिक्स कितने का करना उसमें से थ्री का ही करना तो सिक्ससी थ्री सॉरी सिक्ससी थ्री आई में एन माइनस वन सेवन माइनस वन सिक्स आर माइनस वन फोर माइनस वन थ्री नेक्स्ट क्या वन पर्टिकुलर मेंबर इज नेवर सेलेक्टेड एक पर्टिकुलर मेंबर का सिलेक्शन नहीं होना है तो इस केस में क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस वन सी आर ये फॉर्मूला हमारा तो क्या होगा इसमें एन माइनस वन कितना हो जाएगा सिक्ससी समझदार मीनिंग तो स्टेप से आप परमू कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं Group, कि ग्रुप कमेटी किस स्टेप्स में फॉर्म करनी है आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल गुरु के पी ओ डॉट कॉम थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू